चार बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूको मत चौहान। बसंत पंचमी का दिन हमें हिंद शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को 16 पर पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। लेकिन जब 17वीं बार वे मोहम्मद गोरी से पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा, वो उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर काबुल अफगानिस्तान ले गया और वहाँ पर उनकी दोनों आँखें फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्र बड़दाई उनसे मिलने के लिए काबुल पहुँचा। वहाँ कैद खाने में पृथ्वीराज की दयनीय हालत देखकर चंद्र बड़दाई के हृदय को गहरा आघात लगा और उसने मोहम्मद गोरी से बदला लेने की योजना बनाई। चंद्र बड़दाई ने गौरी को बताया कि हमारे राजा एक प्रतापी सम्राट हैं और उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने की पारंगत हासिल है। यदि आप चाहें तो उनके शब्द भेदी बाण से लोहे के साथ तवे भेदने का प्रदर्शन आप स्वयं देख सकते हैं। इस पर गौरी तैयार हो गया और उन्होंने राज्य के सभी ओहदेदारों को कार्यक्रम देखने हेतु आमंत्रित किया। पृथ्वीराज और चंद्र वरदाई ने पहले से ही इस कार्यक्रम की गुप्त मंत्रणा कर ली थी कि क्या करना है। एक निश्चित तिथि पर दरबार लगा और मोहम्मद गोरी एक ऊंचे स्थान पर अपने मंत्रियों के साथ बैठ गया। चंद्र बरदाई के निर्देशानुसार लोहे के साथ बड़े बड़े तवे निश्चित दिशा और दूरी पर लगाए गए। चूंकि पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई थी, वो अंधे थे, अतः कैद और बेड़ियों से दूर बैठने की एक निश्चित जगह पर उन्हें लाया गया और उनके हाथ में धनुष बाण थमा दिया गया। उसके बाद चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं का वर्णन करते हुए विरुदावली गई और गौरी के बैठने के स्थान को चिन्हित कर पृथ्वीराज को अवगत कराया। चार बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है चूको मत चौहान, अर्थात चार बांस 24 गज और चार उंगली की दूरी पर ऊपर सुल्तान बैठा है, चौहान चूकना मत, अपने लक्ष्य को हासिल करो। इस संदेश से पृथ्वीराज को गौरी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो गया। चंद्र वरदाई ने गौरी से कहा, पृथ्वीराज आपके बंदी हैं, आप इन्हें आदेश दें तभी ये आपकी आज्ञा लेकर अपने शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करेंगे। इस पर जो ही गौरी ने पृथ्वीराज को प्रदर्शन करने की आज्ञा का आदेश दिया तो पृथ्वीराज को गौरी की दिशा पता लग गई और पृथ्वीराज ने बिना एक पल की देरी किए हुए एक ही बाण से गौरी को मार गिराया। गौरी उपयुक्त कथित ऊंचाई से नीचे गिरा और उसके प्राण पखेरु हो गए। चारों ओर भगदड़ और हाहाकार मच गई। इस बीच पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बड़दाई ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक दूसरे को कटार मार अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आत्म बलिदान की यह घटना 1192 ईस्वी बसंत पंचमी वाले दिन हुई थी।